1975 से लेकर सन 2015 के दिसंबर तक पायलट समूह 24 आवर्स की वर्क शिफ्ट करता आ रहा था। इस व्यवस्था में मुख्य शिकायत यह थी कि ड्यूटी वाले दिन को पायलटों को प्रतिदिन की जीवन आवश्यक निद्रा प्राप्त नहीं हो पाती थी। कभी कभी नौ संचालन कार्य के दौरान कुछ छोटी घटनाएं भी घटी, जिसकी वजह से चिंताएं बड़ी हुई थी कि सुरक्षा की दृष्टि से जीवन आवश्यक दैनिक निद्रा को प्राप्त कर सकने वाली कार्य व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक हो जाएगा। तो यहां से 12 आवर्स ऑन ऑफ वाली वर्क शिफ्ट का आरंभ हुआ। इस व्यवस्था में पिछली वाली 24 आवर्स ऑन ऑफ व्यवस्था के मुकाबले दो की बजाय तीन वर्किंग ग्रुप्स की आवश्यकता पड़ती है और यहां पर प्रत्येक ग्रुप का अटेंडेंस पैटर्न है, दो दिन डे शिफ्ट, दो दिन रात्रि शिफ्ट और फिर दो दिन पूर्ण अवकाश। तो इस प्रकार एक वर्क वीक 7 दिन का नहीं होकर मात्र 6 दिन का ही रह जाता है। श्रमिकों के अधिकतम श्रम सीमा संबंधित बहुत सारे विधान उपलब्ध है। पोर्ट सेक्टर पर लागू होने वाला विधान फैक्ट्री एक्ट है। श्रमिक विधान अधिसूचना देते हैं कि फैक्ट्री क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए प्रत्येक 7 दिन के सप्ताह में 48 घंटे अधिकतम कार्य सीमा है। 48 घंटों के ऊपर करे गए कार्यों के लिए ओवरटाइम भुगतान आवश्यक बन जाते हैं। 6 दिन वाले वर्किंग शिफ्ट में औसतन प्रत्येक पायलट 7 दिनी हफ्ते के अनुसार 60 घंटे का श्रम उपलब्ध करवाता है। यदि किसी तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि पायलटों का साप्ताहिक अवकाश साधारण कार्यालय श्रमिकों से अधिक दिखाई देता है तो यह श्रमिक विधान के अधीन कुछ भी अवैधानिक नहीं माना जा सकता है। कुछ विचारों से खास तौर पर पिछली 24 आवर्स ऑन ऑफ व्यवस्था से तुलनात्मक अध्ययन में अधिक व्यसन करने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि 6 दिनी हफ्ते का 5वां दिन एक शिफ्ट ऑफ है। यह त्रुटिपूर्ण भ्रमात्मक तर्क है, क्योंकि वास्तव में वर्तमान व्यवस्था में पायलट का सप्ताह 6 दिन का ही है, जिसमें उनसे श्रमिक विधान के अधीन आवश्यक 48 घंटे प्रति हफ्ते से अधिक का श्रम योगदान पहले ही किया हुआ है। तो यदि उसको आकस्मिक अवकाश के प्रतिफल किस अन्य दिन श्रम योगदान के लिए बुलाया जाता है, तब फिर वास्तव में उसने कोई आकस्मिक अवकाश तो कभी लिया ही नहीं होगा। अवकाश का अभिप्राय तो उसके श्रम योगदान दिवस में से ही अनुपस्थिति से ही पूर्ण होता है।